सबको जय मसीह की। मेरा नाम पंकज है, मेरी वाइफ का नाम पूनम। तो मैं अमृतसर में सेवकाई कर रहा हूँ चबाल रोड के पास। 2010 में मैं प्रभु में आया और उसके बाद 2012 तक मैं चेलेपन की मीटिंग्स करता रहा, जैसे डिसिपलशिप की सर मैंने चेलेपन की जो ट्रेनिंग की थी तो मैं सुसमाचार करता रहा। और यहाँ पर मैं कलीसिया में बैठा करता था। मुझे आज भी याद आ रहा है कि जब मैं कलीसिया में बैठकर वचन सुनता था, पापा जी जब प्रचार करते थे तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती थी कि मैं उनको देखूं, उनको सुनूं और आगे आगे बैठूं। और हम जल्दी आकर 6 बजे यहाँ पर अपनी सीट को बुक करते थे। तो जैसे जैसे मैंने वचन को सुनना शुरू किया और मैंने जब भी वचन को सुनना, पापा जी ने हर बार मेरी ओर देखना और मुझे लगता था कि वो जब देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ परमेश्वर चाहता है मुझसे। जब वो देख ही रहे हैं तो मैं हर बार जल्दी आके आगे बैठता। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि प्रभु तुझे मेरी तरह इस्तेमाल करेगा, जैसे मैं यूज हो रहा हूं वैसे ही प्रभु तुझे भी यूज करेगा अमृतसर में। हालेलुया। उस दिन के बाद 2015 में मैंने वेडनेसडे वाले दिन चर्च को लगाया और पापा ने कहा कि 12x12 का जो कमरा होगा उसमें तुमने चर्च को स्टार्ट करना है। तो 12x12 का कमरे में मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने टेरेस के ऊपर स्टार्ट किया और टेरेस पर कोई टेंट नहीं था, ऐसे ओपन ही मैंने स्टार्ट कर दिया और 8 लोग आए। उसके बाद वो जो टेरेस था पूरा फुल होता गया और भरता गया पूरी तरह से और सीढ़ियों तक पूरा फुल हो गया। जब फुल हो गया उसके बाद मैंने उसको रेंट पर ज़मीन लेकर हमने बाहर शुरू किया चर्च, वो भी भर गया। तब 150 लोग हो गए, फिर वो भी भर गया, फिर उसके बाद 200 लोग हो गए, वो भी भर गया। और फिर 2016 में पापा जी ने कहा कि अब तू संडे चर्च को स्टार्ट करना है। और मैंने 2016 10 जुलाई को मैंने पहले संडे मीटिंग स्टार्ट की और उसी मीटिंग में 100 के करीब लोग आए और वो पूरा भर गया जो हमने टेंट लगाया था। उसके बाद पापा ने मुझे फिर से मैसेज किया और कहा कि मुझे कहा कि अपने टेंट को बढ़ा दे, 500 लोगों की चेयर्स लगा, वो पूरा भरने वाला है। आप बिलीव करो कि उसी दिन उसी संडे पूरी तरह से बड़ी मीटिंग में वो पूरा टेंट भर चुका था और हम हैरान थे देख कि परमेश्वर अपने दास के वर्ड को गिरने नहीं देता है। हालेलुया। मैं आज ब्लेस्ड हूँ, मेरी वाइफ ब्लेस्ड है, मेरी मैरिज जो है ब्लेस्ड है, इसलिए क्योंकि मैंने राइट अगवे को अपनी लाइफ समर्पित की है। और आज मेरी मैरिज लाइफ, ये नहीं कि मेरी सेवकाई, मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हुई। प्रभु ने मुझे आशीष किया फाइनेंशियली और ब्लेस किया। चर्च के पास कोई जमीन नहीं थी, आज चर्च के पास अपनी 1 किला के करीब जमीन है और भी खरीद रहे हैं हम और हम बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी जैसे शॉर्ट में हम टेस्टिमनी दे रहे हैं, इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अब तो इससे जल्दी मुझे करना पड़ रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ सेवकाई में ही उन्होंने हमें गाइड किया है, हमारी पर्सनल लाइफ को भी वो देखते हैं। जैसे एक फादर, शारीरिक फादर जैसे एक केयर करता है अपने बच्चे की, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें केयर की है, हमें समझाया, हमें सिखाया। जब भी कहीं भी कुछ होना उन्होंने हमें गाइड करना, हमें बूस्ट करना और आज तक हम बढ़ते जा रहे हैं, कभी डाउन नहीं गए और नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास से। हालेलुया। मेरी जो मैरिज है, मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी आपको एक बात को कि मैरिज जो मेरी ब्लेस क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, कोई लव मैरिज नहीं करनी। जिस दिन पहले दिन मैं उनसे मिला था उस दिन उन्होंने बोला कोई लव मैरिज नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ये नहीं कि कुछ मुझ में कुछ ऐसा था, वो उसने वैसे ही मुझे गाइड किया कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैंने वैसे ही फॉलो किया और जैसा उन्होंने गाइड किया और मेरी मैरिज जो थी उनके द्वारा, उनके वर्ड्स के द्वारा ब्लेस हुई। आज मैं ब्लेस हूँ, हमें परमेश्वर ने ब्लेस बेटा दिया इब्नेजर, उसका नाम भी पापा जी ने रखा हुआ है, मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी पापा जी ने रखा हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग सब ब्लेस्ड है हमारी सेवकाई में। हालेलुया। और अभी आपकी चर्च जो है वो लगातार कंटिन्यू ग्रो होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, 2500 से 3000 लोग आपके जो मेंबरशिप कहां जो रेगुलर मेंबर है वो। तो और अलग अलग जगह आपने बड़े बड़े क्रूसेड करके देखे, मुंबई में गए, पंजाब में बहुत बड़े बड़े क्रूसेड किए, यानी चारों दिशाओं से परमेश्वर ने आपको फलवंत किया मेंटरशिप में आने के बाद, जैसे ही फॉलो करना शुरू किया। आप जानते हैं जब आप लगातार परमेश्वर के अगुए के नीचे जब उस अनॉइंटिंग को आप
रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं उसी अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, परमेश्वर ने अपने दास को, हमारे आत्मिक पिता को बढ़ाया है, आज जो फेथफुल है परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हैं, तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए, बड़े बड़े कामों को करने के लिए, बड़े बड़े चर्चेस को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाए, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं बताना चाहती हूँ आज परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें फिर से टेस्टिमनी देने का मौका मिला। जब मैं प्रभु में आई थी नई नई, तो हमारी सारी परिवार की जिंदगी ऐसी थी जैसे एक नरक की जिंदगी थी, दुष्टात्माओं में, बीमारियों में। और हिमाचल में कोई भी प्रभु में नहीं है, दूर दूर तक हिमाचल में प्रभु में नहीं है, जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता। और किसी ने हमें प्रभु के बारे में बताया, यहाँ पे चर्च में आए, और पहले दिन से हमने परमेश्वर के सामर्थ को जब देखा कि हमारी फैमिली का विश्वास उठ गया था कि इस धरती पे कोई परमेश्वर है जो हमारी भी कोई सुनने वाला है। लेकिन जब हम इस चर्च के साथ जुड़े, अपने स्पिरिचुअल फादर मदर के साथ जुड़े, लगातार उनको सुना, उनको फॉलो किया, और परमेश्वर ने हमारी फैमिली को दुष्टात्माओं से, कर्जों से, बीमारियों से, जो सारी फैमिली बिस्तर के बेड के ऊपर चली गई थी, जवान मेरे ब्रदर सिस्टर टॉयलेट बाथरूम, फादर का भी 22 साल पे वो बेड पे रहे, और पूरी फैमिली आज आशीषित है, ब्लेस्ड है। और मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं, एक आम सी जिंदगी जीने का सोचा था, और यहीं पे परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअल अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ वो अनुग्रह स्पिरिचुअल फादर मदर के द्वारा मेरे लाइफ में आया, और प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल फादर और मदर हमारी लाइफ के शील्ड हैं, हमें आज डर नहीं होता, हर जगह पे जाते हैं वो, हमें गाइड करते हैं स्पिरिचुअली, फिजिकली, मैरिटली, हर तरह से वो हमें गाइड करते हैं उनके प्यार के लिए और उनके गाइडेंस के लिए, उनके ब्लेसिंग्स के लिए जो प्रभु ने उनके द्वारा दी है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज, सब प्रशंसा करें, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज़ में। हालेलुया।